हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संध्या किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी नाश्ता, चीज़ से भरा हुआ मैक्रोनी पास्ता, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए इसकी सामग्री हम बताती हैं। ये मैंने कुछ मैक्रोनी लेके रख लिया है और एक चम्मच मैंने नमक लिया है, एक चम्मच सोया सॉस, आई मीन 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और 1 पैकेट मैगी मसाला। एक टमाटर मैंने छोटे छोटे चॉप करके पीस में रख लिए हैं। एक प्याज को भी मैंने कट करके अच्छे से रख लिया है छोटे छोटे पीस पे। और मैंने ग्रीन शिमला मिर्च और रेड शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्ची मैंने चॉप करके रख लिया है। 2 बड़ी चम्मच मैंने टमाटो सॉस रख लिया है। तो चलिए पहले हम मैक्रोनी को अच्छे से उबालते हैं। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था। इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी और 2 चम्मच कोई भी रिफाइंड डाल डाल सकते हैं आप। अभी पानी बॉयल्ड हो रहा है, इसमें मैं मैक्रोनी को डाल के अच्छे से मैं उबालूँगी इसको। 10 मिनट तक कम से कम इसको उबालना है अच्छे से। ये देखिए, इसको अच्छे से मैं चला के, जिससे नीचे ना चिपके, इसे हम चम्मच से लगातार इसको चलाते रहना है। अब ये मैक्रोनी अच्छे से उबल गए हैं। अब मैं इसको निकाल के छान लूँगी और इसको ठंडे पानी से भी एक बार धो लेना है, जिससे आपस में ये चिपकते नहीं हैं। ये देखिए, मैंने छान के रख लिया और ठंडे पानी से धो के रख लिया। खिले खिले एकदम बने हुए मैक्रोनी। अब चलिए मैं कढ़ाई में तेल गरम करके अब इसको फ्राई करते हैं सारी सब्जियों को। मैं हरी मिर्च इसमें डालूँगी, शिमला मिर्च और 1 कटोरी प्याज जो मैंने काट के रखे थे उसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। इसको गलने तक कम से कम हम इसको 5 मिनट तक हम उसको पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है ये, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ऊपर से चीज़ भी भरा हो तो और भी बच्चों को मज़ा आता है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक में मिक्स कर दूँगी, जिससे प्याज और शिमला मिर्च थोड़ा सा गल जाएगा। इसको मैं बराबर चला दूँगी अच्छे से। अब मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक के मैं पकाऊंगी, जिससे शिमला मिर्च और प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। अभी देखिए अच्छे से गल गया। इसमें टमाटर भी मिक्स कर दूंगी मैं। प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च को बराबर मैं चला के इसमें थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल दूंगी और मैगी मसाला भी मैं इसमें मिक्स करूंगी 1 पैकेट। और इस सबको मैं एक साथ मिला के थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी, जैसे टमाटर शिमला मिर्च सब अच्छे से थोड़ा सा गल जाए। खाने में बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों को, खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगता है। इसमें थोड़ा सा मैं 1 चम्मच सोया सॉस में डालूँगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच टमाटो सॉस में डालूँगी। अभी सोया सॉस, टमाटो सॉस और मैगी मसाला सब एक साथ मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें मैंने जो बॉयल्ड मैक्रोनी रखा था इसको मैं मिला के अच्छे से सब मिक्स कर लूँगी। देखिए कितने खिले खिले मैक्रोनी बने हुए हैं। इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना है। अब मैं इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। अब ये मैक्रोनी पास्ता मेरा तैयार हो गया। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये देखिए कितने टेस्टी पास्ता तैयार हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से टमाटो सॉस डाल दूँगी, जिससे पास्ता बहुत ही टेस्टी स्पाइसी बनेगा। और ये मैंने चीज़ ग्रेट करके रखा है, इसको ऊपर से मैं सजा लूँगी। बहुत ही टेस्टी और सुंदर भी लगते, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों को। तो मेरा चीज़ी पास्ता तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर घर पे बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको और रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके।